प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है प्याज उत्पादक किसान कम दाम की मांग से अभी उभरे भी नहीं थे कि अब सोयाबीन के दाम पर बाजार की मार पड़ गई महाराष्ट्र सोयाबीन का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है और यहां किसान कम दाम मिलने से बहुत परेशान है केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एम एस पी फिक्स की है लेकिन महाराष्ट्र की अधिकांश मंडियों में किसानों को इतना दाम नहीं मिल रहा किसानों का कहना है कि पहले उन्होंने मौसम की मार झेली और अब दाम की मार से वो परेशान है सब तकलीफों को सह करके किसान कोई फसल तैयार करता है और जब उसे पैसे मिलने की बारी आती है तो रेट गिर जाता है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि लासलगांव विंचूर में उनतीस फरवरी को सोयाबीन का न्यूनतम दाम सिर्फ तीन हजार प्रति क्विंटल रहा यह प्रदेश में सबसे कम दाम है औसत दाम 4,401 तो अधिकतम दाम 4,350 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिले जबकि आवक 310 रुपए प्रति क्विंटल रही। वहीं अधिकांश मंडियों में 4,000 से 4,500 रुपए का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है जिससे किसानों में भारी निराशा है क्योंकि सोयाबीन महाराष्ट्र की प्रमुख फसल है और उसी का दाम सही नहीं मिलेगा तो आय कैसे बढ़ेगी वहीं अगर उत्पादन की बात की जाए तो जानकारों का कहना है कि सोयाबीन का उत्पादन इस साल स्थिर है उत्पादन 125 लाख बासठ हजार मीट्रिक टन हुआ है जो लगभग पिछले साल के बराबर है महाराष्ट्र में मौसम की मार पड़ी है इसलिए राज्य में इसका उत्पादन बड़ा नहीं फिर भी दाम इतना कम हो गया है इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि कारोबारियों को दूसरे देशों से सोया ऑयल मंगाना महंगा पड़ रहा है इस वजह से घरेलू बाजारों में सोयाबीन के दाम इतने गिर गए हैं कि किसानों को एमएसपी के मुकाबले एक हज़ार से पंद्रह सौ कम दाम पर अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है वहीं अगर भावों की बात की जाए तो गांव मंडी में न्यूनतम भाव अठत्तीस सौ एक तक पहुंच चुके हैं जबकि अधिकतम भाव पैंतालीस सौ प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी